नमस्कार, हमारे दोस्तानी YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, फाइनली आज हम दोबारा आ चुके हैं रामपुर, और रामपुर में भी आए इसलिए हैं हम कि पटाखों की मार्केट दिखाने के लिए, जो कि हमारे रामपुर में थोड़ा डिस्टेंस से लगी है। रामपुर की मार्केट जो पटाखों की है, तो वो दिखाने के लिए आए हैं। और ये लगी कहाँ है, इसका एड्रेस पहले बता दूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो रोड आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये रोड है सावाद रोड, जो कि आप राम रहीम पुल है ना रोहन भाई, राम रहीम वाला पुल, उसी का उस वो वाला रोड है ये। और हमारे साथ में हमारे रोहन भाई पूरी। कैसे हो गाइज आप लोग? और एक बार मैं फटाफट यहाँ की आपको लोकेशन बता देता हूँ। जैसे कि अनुराग भाई ने बताया, राम रहीम पुल से आप यहाँ नीचे को आओगे जो ज्वाला नगर है। ज्वाला नगर में आने के बाद RTO ऑफिस आओगे। RTO ऑफिस से जस्ट आगे ही बाईपास और RTO ऑफिस के बीच में ये जगह है, जो एक ग्राउंड है। इधर पीछे देखो आप, क्या बोलते हैं रोहन भाई इसको? भाई इसको बोलते क्या है इस ग्राउंड को? इस ग्राउंड को मतलब ये ऐसी मैदान है जिसमें सरकार ने परमिशन दे दी है कि यहाँ पे आप पटाखों की दुकानें लगा सकते हैं। और पटाखों की दुकानों का लाइसेंस जो अलॉट करना शुरू किया है, वो किया है कल से, धनतेरस वाले दिन से अलॉट कर दिया था। और धनतेरस से पहले दुकानें नहीं लगी थी, इन्होंने लगाई थी। उनकी हो सकता है शायद सीज़ वगैरह हुई हों, लेकिन जो रूल है उस हिसाब से धनतेरस वाले दिन लगाई थी दुकानें, और अब लग रही हैं। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो गाइस देखिए कितना सुंदर, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में, तगड़े एरिया में लगा। बाकी अनुराग भाई आपको बताएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो पटाखे लेने के लिए, क्योंकि अंदर मार्केट में पटाखे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पटाखे थोड़ा सा आग लगने का डर रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा ये बाहर लगा रखे हैं। ये पटाखों की दुकान जो भी है बाहर है लगी हुई। तो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं अंदर जाके, मिलवाते हैं आप लोग। और ये जिल जिल है, ये कॉर्निशन सिंगल पीस अनार है इस टाइप से। प्राइस कॉक पे 40% लेस है MRP पे, ठीक है। इस टाइम 40% लेस है। कोई आए अपने पास हो सकता ना? हाँ, 40% लेस है हमारे। लोकेशन जॉली फैक्ट्री मार्केट लगा हुआ है पूरा, जॉली फैक्ट्री पटवाई रोड पे, शाहबाद रोड भी कहते हैं जिसे। दुकान का नाम हनुमान फायरवर्क्स, कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो ये गजेंद्र भाई, और गजेंद्र भाई सही चल रही है सेल? ये चीज़ बताओ, सेल सही चल रही है? बढ़िया बढ़िया चल रही है, और अभी उम्मीद है पब्लिक और आएगी। बिल्कुल। तो भाई सबसे महंगा आइटम कौन सा है आपके पास? सबसे महंगा आप क्या लेंगे? शार्ट शॉर्ट रखा है सबसे महंगा। शार्ट शॉर्ट कितने का है? 1050 रुपीज़ का है। तो मतलब कितने, मतलब कौन सी कंपनी का है ये? मगर मुर्गा। अच्छा, मुर्गा कंपनी का, सबसे बढ़िया कंपनी है ये तो। और देखिए आप, ये सब आइटम मिल जाएंगे आपको, इतने सारे यहाँ पे बुलेट बम से लेकर सारे अलग अलग। कौन कौन सी कंपनीज के हैं भाई अपने पास माल? कॉर्नेशन, सुप्रीम, मगर, मुर्गा, चिदम्बरम, और चिदम्बरम, बहुत कंपनी है। अच्छा, बहुत सारी कंपनी। हाँ, सब लाइसेंस होगा इनके पास तो। ये देखिए आप, ये सारे अनार वगैरह सब, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से बच्चे से लेकर। ये देखो कुछ बढ़िया, हमारा इंटरव्यू हो रहा है यार, बढ़िया वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मार्केट नहीं है, थोड़ा छोटा ही मार्केट है। जैसे कि हमने आप दिखाया, ये भी दो तीन दुकानें हैं थोड़ी बड़ी वाली लगी हुई, बाकी सब छोटी छोटी दुकानें हैं। लेकिन हाँ, यहाँ रामपुर में दो तीन जगह लगी हुई है। क्यों रोहन भाई, कितनी जगह लगी है यहाँ पे? लगभग 2-3 जगह मार्केट लगता है। पहले तो काफ़ी बड़ा मार्केट लगता था, यही वाला। हाँ, हल्के हल्के अब जो है कोरोना की वजह से, अब सुना कि कोरोना फिर आने वाला। तो यार दिवाली अच्छी तो है, लेकिन इसमें भी देखो बुरी बुरी खबरें आ रही हैं कि यार कोरोना आने वाला। तो यही कहूँगा आपसे, अगर कोरोना आ भी जाए तो यार आगे वाले आने वाले टाइम में आप लोग सुरक्षित रहिए और खुश रहिए घरों पे, है ना। पटाखे जलाइए, लेकिन पटाखे ऐसा कहूँगा जलाइए कि किसी को नुकसान ना दें। आप हॉस्पिटल से दूर जलाइए, मंदिरों से दूर जलाइए, और जो भी लोग मतलब परेशानी होते हैं उससे। और
जितने भी मतलब कुत्ते वगैरह जानवर वगैरह होते हैं उनसे दूर, क्योंकि उनको साउंड प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, है ना। तो बचाव करिए जानवरों का भी और अपनों का भी, है ना। और छोटे बच्चों को पटाखों के पास न आने दें बिल्कुल भी, थोड़ा अपना भी ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉटन कपड़े पहने उस टाइम में। हाँ बिल्कुल, सूती कपड़ा यूज़ करें। पटाखे जलाते टाइम थोड़ा ध्यान रखें और दूर से पटाखे जलाएं। वायरिंग वगैरह लगाते हैं आप झालरे वगैरह, उससे थोड़ा दूर हट के रहें और काफ़ी अच्छे से त्यौहार मनाएं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, सेफ्टी रखें, है ना। और ये देखो आपको देता हूँ इस मार्केट का 360 व्यू। तो गाइस ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हम उस साइड से आए थे अभी, तो यहाँ से शुरू हो जाती है मार्केट और ये है पूरी मार्केट। आपको दिखाता हूँ 360 व्यू। अभी आप बस गाइस यहाँ से शुरू और यहाँ पर ख़त्म। बस इसी है यहाँ रामपुर की अजीतपुर की मार्केट, और आप यहाँ पर कल आ सकते हैं, मतलब कल तक आराम से आ सकते हैं। कल है दीपावली, आज छोटी दीपावली है और आप कल आराम से कल तक आ सकते हैं गाइस। और प्राइस भी थोड़ा ठीक ठाक ही है यहाँ पर। गाइस हम लोग आ चुके हैं ज्वालानगर की मार्केट में और हमारे रोहन भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सभी जो भी लगी हुई है मार्केट, सभी दीपावली की मार्केट लगी हुई है। इसमें ज़्यादातर दीपावली का ही घर पे डेकोरेशन करने का सामान और पटाखे वगैरह तो नहीं मिल रहा है। पटाखे तो अभी आपको दिखाई है वीडियो, उसमें आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन करने का सामान है और घर पे जो यूज करने हैं वो भी है। और ये सब ज्वालानगर है। और इस चौराहे को क्या बोलते हैं रोहन भाई? ये है आगापुर चौराहा। अच्छा, ये आगापुर चौराहा, यहीं से आप देख सकते हो सब तरफ मार्केट लगी हुई है। और अभी थोड़ी देर में जब शाम हो जाएगी यहाँ पे चलने तक की जगह नहीं होगी, भीड़ लग जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इधर इधर। और अभी दिवाली का है ना, तो दिवाली पे और ज़्यादा कुछ है। और ये देख ही सकते हो गाइस आप, सब्जी मंडी का इलाका है। सब्जी मंडी, अच्छा, फेस्टिवल के टाइम ये लोग सब्जी बेचने के बावजूद ये बेचते हैं। अच्छा, यहाँ तो अच्छी खासी है मार्केट लगी हुई यार, ये बढ़िया है मार्केट। तो भाई साहब देख ही सकते हो यहाँ पर कुछ बढ़िया। तो अभी हम लोग आए हैं सब्जी मंडी में रामपुर की, और यहाँ पे बहुत सारी सजावट हुई हो रखी है, देखिए आप मेरे पीछे इधर। और अनुराग भाई मार्केट है, अनुराग भाई आए हैं हमारे पास, बाकी का आपको अनुराग भाई समझाएंगे। अनुराग भाई कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अच्छी है ना, दिवाली का सीजन चल रहा है। बिल्कुल, सब लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है हमें। और हम आपको अभी बैक कैमरे से इसके दिखाते हैं कि कितनी भीड़ है और कितना मतलब यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो रखी है। गाइस ये है सावन वाला रोड वो है इस टाइम, और यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ है, इसलिए हम अभी बहुत प्यारा सीन आ गया। चलते हैं और दिखाओ, इधर देखो बहुत प्यारा सीन आ गया इसमें। चल रहा हूँ एक मिनट। सो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहती हैं। सो गाइस थोड़ा रोहन भाई बताइए आप भी थोड़ा सा। मैं यही बताऊंगा कि देखो दिवाली मनाओ अच्छे से, है ना, पटाखे वगैरह ही फोड़ो, लेकिन ऐसे फोड़ो कि नुकसान ना दो किसी को, है ना। काफ़ी अच्छी मार्केट लगी है, आ सकते हो यहाँ पे। हाँ बस नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, थोड़ी नॉर्मल है। लोकेशन भाई डिस्क्रिप्शन में भी दे ही देंगे आपको, और बाकी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और पसंद है। तो भाई अगले साल भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। बिल्कुल भाई, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल।